भोपाल से बड़ी खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से शुरू होने जा रही है लाडली बहना योजना। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, लाडली बहना योजना की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होने जा रही है। आवेदन लेने का जो काम है वो शुरू होने जा रहा है। महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रुपए की सहायता राशि जो है वो सरकार देगी। राशि उनके खाते में अंतरिम कर दी जाएगी। गांव और वार्डों में जाकर आवेदन भरवाए जाएंगे। बहना योजना की शुरुआत अब करने जा रही है सरकार। लाडली लक्ष्मी योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है जो चल रही है। इसके बाद अब एक और महिला दिवस से लाडली बहना योजना की शुरुआत होने जा रही है। आवेदन लेने का काम जो है वो शुरू होने जा रहा है। महिलाओं को इसमें प्रति महीने 1,000 रुपए की सहायता राशि जो है वो दी जाएगी और अंतरिम कर दी जाएगी उनके खाते में ये राशि। गांव और वार्डों में आवेदन जो है वो भरवाए जाएंगे। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, लाडली लक्ष्मी योजना तो चली रही थी मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना, और अब लाडली बहना योजना की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए किस तरह से तैयारियां की जा रही है, किस तरह से गाँव में वार्डों में पहुंचा जाएगी, टीम पहुंचेगी, किस तरह से योजना जो है वो सार्थक बनाने की कोशिश? देखिए, अगर हम देखें तो चुनावी साल में एक बेहद महत्वपूर्ण, अगर बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से इसकी शुरुआत होने जा रही है। नाम दिया गया है लाडली महिला योजना, लाडली बहना योजना। और लाडली बहना योजना में जो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक के काफी बड़ा कार्य, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस दिन घोषणा की थी उसी दिन अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि हर हाल में जो है इसको हम 8 मार्च तक कम्प्लीट कर लें कि इसकी शुरुआत हो सके। योजना में अगर हम बात करें तो गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार की जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए की राशि खाते में अंतरित की जाएगी। लगभग ये बताया जा रहा है कि करीब करीब इस योजना को लेके जिस तरह से कागजों पे काम करना था, आंकड़ों को इकट्ठा करना था, अकाउंट्स को खातों के साथ जोड़ना था, ये सारी प्रोसेस हो चुकी है। और हितग्राहियों को चिन्हित करके गांव गांव में जाकर इसके फॉर्म अभी भराए जा रहे हैं, लेकिन अभी काफी काम बाकी है, पर 1 महीने के दरमियान ये पूरा हो जाएगा और मुख्यमंत्री जो है पहली जो राशि जो अंतरित करेंगे, हस्तांतरित करेंगे, वो महिला दिवस के दिन करके इसका शुभारंभ करेंगे। तो बिल्कुल, इन महिलाओं को किस तरह से चिन्हित किया जा रहा है, वो कौन कौन सी महिलाएं शामिल होंगी? जिस तरह से आपने कहा निचले तबके की महिलाएं या जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, तो उनको किस तरह से चिन्हित किया जाएगा? देखिए, गरीब तबके की महिलाएं और मध्यम वर्गीय महिलाओं को जो है वो हमने देखा है कि पहले से ही चिन्हित किया हुआ है अलग अलग वर्गों के हिसाब से, और इसके लिए जो है नगर निगम और पंचायतों में इनका पूरा रिकॉर्ड है और इन्हीं रिकॉर्ड के आधार पे इनके अकाउंट जो हैं वो कहीं ना कहीं जोड़े जा रहे हैं और इनमें ये देखा जा रहा है कि इनके परिवार की आय क्या है। और परिवार की आय की दृष्टि से ये पहले शुरुआती दौर में ये किया गया है कि जिन परिवारों की, महिलाओं की या परिवारों की आय 2,00,000 रुपए से कम है, उन सभी महिलाओं को के खाते जो है इस योजना के तहत जोड़े जाएंगे और 1,000 रुपए की राशि प्रतिमाह दी जाएगी। तो बिल्कुल, इस योजना की शुरुआत जो है वो जल्द ही होने जा रही है और अब देखना होगा कितना लाभ जो है वो महिलाओं को मिल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए।